आज की वीडियो बेहद खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जिनकी खास तौर पर बर्फ पर चलने के लिए बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं इस सफर के अपने पहले गैजेट के साथ। नंबर 12, बॉबस्ला। विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आपको कभी भी मौका मिले इस तरीके की कार्ट को इस्तेमाल करने का तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर से देखिएगा। ये एक तरीके की ड्रिफ्टिंग कार्ट होती है जिसे कि आप बर्फ में काफी सारी मस्ती कर सकते हैं। ये कार्ट साइज में बहुत छोटी होती है जिसे कि एक कंट्रोल स्टिक की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसके पिछले हिस्से में आपको प्रॉपर स्पेस दे रखा होता है जिसमें कि आप जरूरी सामान भी रख सकते हैं और बर्फ पर ये व्हीकल काफी स्टेबिलिटी के साथ मूव करता है। इसमें चैन मैकेनिज्म वाले व्हील्स लगे होते हैं जिससे कि ये बर्फ पर आसानी से मूवमेंट कर पाएगा। इसमें इनबिल्ट होती है 12 किलोवाट की ड्यूल मोटर्स जो कि इसे पावरफुल बनाती हैं। इसकी टॉप स्पीड बर्फ पर 30 किलोमीटर पर आर की होती है जिससे कि अच्छी खासी रेंज में आप इसे कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स में थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरीके की ड्रिफ्टिंग कार आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस देने वाली है। नंबर 11, वाइड स्पेस WS250। अब मैं आपको एक ऐसी मोटर बाइक दिखाने वाला हूं जिसे कि आप रोड्स पर नहीं बल्कि बर्फ पर चला सकते हैं। नॉर्मल अगर किसी भी मोटरसाइकिल को देखा जाए तो उसे आप बर्फ पर नहीं चला सकते क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इस स्नो बाइक को कुछ ऐसे बनाया गया है कि इसकी स्टेबिलिटी बर्फ पर काफी बेहतरीन रहती है। इसके फ्रंट पर आपको स्कीज लगी हुई देखने को मिल जाती है और बैक पर लगे होते हैं कुछ ऐसी ग्रिप जिससे कि ये आसानी से भी बर्फ पर काम कर पाएगी। इसमें इनबिल्ट होता है 242 सीसी का पावरफुल इंजन जिससे कि इसे पावर मिलती है और ये एक स्टैंड अप स्नो मोबाइल है जिसमें कि आप इसे खड़े होकर ऑपरेट करेंगे और ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह काफी स्पीड भी गेन कर सकती है बर्फ पर। तो इसकी टेक्नोलॉजी काफी यूनिक रहती है जो कि नॉर्मल मोटर बाइक से काफी अलग रहती है। नंबर 10, जेट स्नो स्कूटर। वैसे तो बर्फ पर कोई भी व्हीकल बहुत ही धीरे धीरे चल पाता है, लेकिन अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा स्नो स्कूटर दिखाने वाला हूँ जिसका स्पीड रिकॉर्ड अपने आप में एक बेंचमार्क होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा स्नो स्कूटर होता है जो कि जेट पावर्ड होता है, यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा होने वाली है। इसे आप लगभग 183 किलोमीटर पर आर की स्पीड में बर्फ पर चला सकते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। साइज में देखने में ये आपको काफी हैवी सा नजर आएगा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में काफी हैवी इंजन लगा रहता है जिसके पिछले हिस्से में आपको आग लगी हुई भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यही इंजन इसे पावरफुल बनाता है जिससे कि आप बर्फ पर भी काफी तेजी के साथ चल सकते हैं। नंबर 9, योनर सीटेड स्की। ज्यादातर जो स्कीज होती हैं उन्हें आपको पैरों में पहनना होता है या फिर अगर हम किसी स्नो बाइक की बात करें तो उसमें निचले हिस्से में आपको ऐसी स्कीज लगी हुई देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल सिंपल सी स्की दिखाने वाला हूं जिसके ऊपर केवल एक सीट लगी होती है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप इस पर बैठ कर ट्रैवल करने के लिए कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्नो एक्टिविटीज के दौरान ऐसी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि आप बर्फ पर फिसलना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स काफी रिस्की भी होते हैं जिसमें कि चोट लगने का खतरा भी बहुत होता है। लेकिन अगर आप इसकी सीट पर बैठकर ये काम करते हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे और साथ ही साथ आप काफी हाई स्पीड में फिसल पाएंगे जो कि एक अपने आप में नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप भी थोड़ा सा एडवेंचर्स करना चाहते हैं कुछ, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की सीटेड स्की को जो कि अपने आप में वाकई काफी यूनिक है। नंबर 8, स्नो डॉग। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल दिखाने वाला हूँ जिसे कि खास तौर पर बर्फ में सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साइज में छोटा सा ये व्हीकल काफी पावरफुल होता है जिसे कि नॉर्मली ऑपरेट किया जा सकता है किसी भी बर्फीले सरफेस पर। वहीं इसमें पीछे की तरफ आप छोटी छोटी कार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं जिसमें कि आप जरूरत का सामान भी अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से इसे अगर आप कहीं ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी काफी बेहतर रहता है। इस व्हीकल में चेन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये व्हीकल बर्फीली सरफेस पर बहुत ही आसानी से काम कर पाएगा। वहीं इसमें आप एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स को ऐड करके अपनी जरूरत का सामान भी कहीं भी ला ले जा सकते हैं। तो जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उनके लिए ये व्हीकल काफी यूजफुल रहेगा। नंबर 7, एनवोफ्लेक्स स्नो बाइक। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर किसी मौसम में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है या फिर किसी मौसम में वेदर एकदम नॉर्मल हो जाता है तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके लिए ये बाइसिकल काफी परफेक्ट रहेगी। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी कन्वर्टेबल बाइसिकल होती है जिसमें आप कुछ बहुत मॉडिफिकेशन करके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये एक तरीके की ई बाइक होती है जो कि फोल्डेड फॉर्म में रहेगी, यानी कि नॉर्मल अगर आप इसे कहीं भी लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज काफी इजी रहती है। वहीं दोस्तों, आप इसे नॉर्मल फ्लैट सरफेस में तो चला ही सकते हैं, लेकिन अगर कभी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाए तो कुछ छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस करके आप इसे एक स्नो बाइक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इसका एक सबसे मजेदार फीचर है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसा मल्टीपर्पस व्हीकल चाहते हैं जिसे कि आप किसी भी तरीके के सरफेस पर बड़ी ही आसानी से चला सकें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के बाइसिकल को।
नंबर 6 एरिटिक स्नो स्कूट। दोस्तों ये एक तरीके का स्नो स्कूटर होता है जिसे कि खास तौर पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर आप स्लोप में कर सकते हैं जहां पर ये काफी तेजी से फिसलता है और ऐसे में आप अलग अलग तरीके के काफी सारे स्टंट्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी उनमें हैं जो कि स्नो एक्टिविटीज के शौकीन हैं तो ऐसे लोगों को ये स्कूटर खास तौर पर काफी पसंद आएगा। ये साइज में बेहद स्लिम होता है जिससे कि इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है और इसका वजन लगभग 5 किलो के आसपास होता है जिससे कि इसे न सिर्फ कंट्रोल करना आसान रहेगा बल्कि अगर आप इसे कहीं ले जाना चाहते हैं तो उसमें भी काफी बेहतर रहता है ये गैजेट। नंबर 5 स्नो फीट। दोस्तों आपने जमीन पर तो लोगों को स्केट्स का इस्तेमाल करते हुए जरूर से देखा होगा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी स्केट्स दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल आप बर्फ पर भी कर सकते हैं। नॉर्मल तो लोग इस काम को करने के लिए स्नोबोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन इसकी स्केटिंग से ये काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है क्योंकि इसमें आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं और आप अपनी बॉडी को फ्रीली कहीं भी मूव करा सकते हैं, जिससे कि काफी सारे स्टंट भी किए जा सकते हैं इस गैजेट के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आपको भी कभी स्नो स्केट्स को इस्तेमाल करने का मौका मिले तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 4 स्कीजी वुड स्ट्रूनर। दोस्तों वैसे तो स्नो एक्टिविटीज में लोग स्कीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे आपको मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता है जिसमें कि अच्छी खासी मशक्कत लग जाती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी छोटी सी मोटर होती है जिसे कि आपको अपने बैग से अटैच कर लेना होता है, जिसके बाद आप जब भी स्कीज को ऑपरेट करना चाहते हैं तो बस इस मोटर को ऑन करिए और ये आपको पीछे की तरफ से धक्का देती जाती है और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कि बहुत आसान रहता है इससे स्कीज को इस्तेमाल करना। इसमें आपको स्पीड कंट्रोल मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप 3 माइल्स पर आवर से लेकर 25 माइल्स पर आवर तक की टॉप स्पीड पर इसे ले जा सकते हैं। वहीं साइज में ये मोटर काफी छोटी रहती है जिससे कि इसे इजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 वैजुमा स्नो। अब मैं आपको एक ऐसा स्कूटर दिखाने वाला हूँ जो कि देखने में काफी एट्रैक्टिव लगता है और इसका इस्तेमाल नॉर्मल रोड्स के अलावा बर्फ में भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा स्कूटर रहेगा जो कि खास तौर पर अपनी हाई स्पीड के लिए जाना जाता है। इसकी खास बात ये रहती है कि आप इसे 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ले जा सकते हैं जो कि नॉर्मल किसी भी स्नो व्हीकल के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसमें इनबिल्ट होता है R1 1000cc का 4-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन जो कि इसे इतनी पावर जनरेट करके देता है कि अपनी हाई स्पीड को गेन कर पाएगा। वहीं इसका न्यू डिजाइन खास तौर पर बर्फ पर चलने के लिए बनाया गया है जिसे कि आप अपने नॉर्मल यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो। नंबर 2 हिल स्ट्राइक स्नो ट्राइक। अगर किसी भी नॉर्मल ऐसी बाइसिकल को देखा जाए जिसमें व्हील इंसर्टेड होते हैं तो ऐसी बाइसिकल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर रोड पर या फिर ऑफ रोडिंग में भी वो आपकी काम आएंगे। लेकिन बात जब बर्फ पर चलने की होती है तो ऐसे में वो बाइसिकल आपकी किसी काम की नहीं रहती। वहाँ पर काम में आती है कुछ इस तरीके की बाइक जहाँ पर आपको निचले हिस्से में स्कीज लगी हुई देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी ही बाइक होती है जिसे कि आप ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बर्फ पर, जिससे कि इससे आप काफी सारे स्टंट्स वगैरह भी कर पाएंगे। तो अगर आप भी बर्फ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज के शौकीन है और इस तरीके की बाइक को कभी भी इस्तेमाल करने का मौका मिले तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 1 एल्पिना सुपर ग्लास। सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो आप ऑटो से कहीं भी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब बात ऐसी जगहों की आए जहां पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और ऐसी जगहों में अगर आपको कहीं पर जाना पड़े तो आप इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की हेल्प ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा पावरफुल स्नो स्कूटर होता है जिसकी हेल्प से आप कहीं पर भी जा सकते हैं क्योंकि इसके बैक सेक्शन पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। नॉर्मल इसमें एक कैप्टन सीट होती है जहां पर बैठकर इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। वहीं पिछले में आपको कुछ सीट्स लगी हुई देखने को मिल जाएंगी, इस पर लोग आसानी से बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसका इंजन बेहद पावरफुल होता है जिससे कि अगर हम किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो उसमें भी ये व्हीकल आपकी काफी हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स। नमस्कार।